फ्लाइट नहीं, ये दोनों की खुशी का ठिकाना इसलिए है Realme 6 Pro हमारे घर आ चुका है। लाइटनिंग गुड आफ्टरनून डियर, आज ये लोग इसलिए खुश हैं कि अभी जस्ट अभी Realme 6 Pro जो है इन लोगों का जो है वो मोबाइल मंगा चुकी हूँ मैं, और आई एम श्योर इसका रिव्यू भी किया है, बहुत जल्द उसके रिव्यू जो है आपको दिख जाएंगे। नंबर वन क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड 19,000 20,000 20,000 रुपए में, 1 रुपए कम, 20,000 रुपए, और इसका रिव्यू जो है सो बहुत जल्द आपको दिखेगा उस चैनल के ऊपर, जनरल टॉक्स के ऊपर रिव्यू करने वाली हूँ। तो अंशु गोल्डी के खुशी का सबसे बड़ी बात, इट इज मेड इन इंडिया। किसने बोला? इट्स मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया है क्या? मेड इन इंडिया है, मेड इन इंडिया। ओ माय गॉड, मोदी जी ने कल ही बोला है लोकल को वोकल करो, मेड इन इंडिया। उल्टा अभी ब्लॉग बनाना शुरू की हूँ मैं, और आज अभी पूछोगे कि क्या हुआ है, आज सुबह आप लोगों को कोई ब्लॉग नहीं मिला है, तो मैं सोची हूँ कि आज एक ही ब्लॉग डालती हूँ। गोल्डी जा रही है आटा मिलाने, और आटा मिला करके पता नहीं गोल्डी 4-5 दिन में ही ना मुझे पतली लग रही है, पता नहीं क्यों। मतलब किसी का होता है ना कि लोअर पार्ट बहुत जल्दी पतला हो जाता है, किसी का होता है अपर पार्ट बहुत जल्दी पतला होता है, तो गोल्डी का मुझे अपर पार्ट जो है ना, अपर बॉडी जो है वो थोड़ा पतला लग रहा है। हेवी जिनका लोअर, जिनका हेवी होता है ना, उनका फैट जाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो गोल्डी का शुरू से लोअर जो है उसका हेवी है, अपर पार्ट उसका थोड़ा स्लिम है, तो उसका अपर पार्ट मुझे ज़्यादा जो है सो कि सही लग रहा है, मतलब पतली लग रही है। तो अभी देखते हैं, क्योंकि अभी गोल्डी स्ट्रिक्ट डाइट में है। नाश्ता करने की अगर बात की जाए तो अंशु आम और 1 गिलास दूध पिया है, और गुड्डू जो है सो पोहे खाए हैं, मुझे आज खाना नहीं है, थर्सडे है, और गोल्डी जो है गोल्डी खाई है ओट्स, और 1 गिलास जो है मैजिकल जो है वो कप, सॉरी ग्लास नहीं, 1 कप जो है मैजिकल ड्रिंक टी पी है, उसका रिव्यू मैं मुझे लग रहा है कि करना ही पड़ेगा, क्योंकि गोल्डी के ऊपर उसका इफेक्ट मुझे दिखना शुरू हो रहा है। और लेकिन गोल्डी के वेट वाकई और मुझे कम दिखने शुरू हो जाएंगे ना, मैं उसका रिव्यू जरूर करने वाली हूँ, मतलब उस प्रोडक्ट का आपको जरूर बताने वाली हूँ। 10 केजी कम करूंगी तब। ना ना भैया, 10 केजी नहीं, 5 केजी गोल्डी कम कर लेगी तब मैं रिव्यू कर दूंगी, मतलब वो प्रोडक्ट बता दूंगी। अच्छा थोड़ा आटा मिला दो ना, 1 मिनट इधर आओ। यानी कि अगर 1 डे के लिए अगर आप आटा, अभी अंशु के नाटक चल रहे हैं देखो आप, तो अगर मैं, मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहा है ये, देखो इसके पास ब्लू कलर है, मुझे ऑरेंज चाहिए। नेक्स्ट मंथ टारगेट अचीव करना है मुझे, गोल्डी के लिए मोबाइल मंगाना है, लेकिन ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर अवेलेबल ही नहीं हो रहा है क्या? गोल्डी को ना ऑरेंज 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 चाहिए, मैं बोली बेटा ऑरेंज की जगह पे, अरे कोई बात नहीं, ऑरेंज नहीं है तो क्या कर सकते हैं, गोल्डी ऑरेंज की जगह पे कुछ और ले लो, लेकिन गोल्डी को आज अच्छू के खुशी का ठिकाना नहीं है। इसका चार्जर ना एकदम अलग है, चलो वो कुछ नहीं बताऊंगी, वो सब बाद में बताऊंगी मैं, नहीं तो अंशु मुझे कहेगा मम्मा तुम सब मत बताओ मम्मा, ऐसे ही हो रहा है। मैं कहाँ पर थी? अगर पता है, अगर आप 6 जन के लिए अगर आटा आप मिला रहे हो अंशु के तो डाइट, नमक नहीं डाली होगी वो मॉम के लिए, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी खाने वाली हूँ उतना नमक नहीं डाली होगी, नहीं थोड़ा सामने चीनी पानी। एक रूल है, अगर एक डाइट करे तो दूसरा स्ट्रिक्ट नॉन डाइट करे, जो अंशु कर रहा है। तुम्हारा ट्यूशन कितने बजे से शुरू है? 2:30। मैं घर का बैलेंस बनाए रख रहा हूँ, एक डाइट करेगा तो एक नॉन डाइट करेगा। अगर ये इंसान डाइट पूरे हम मतलब जब तक जिंदा है तब तक करेगा, तब तक तुम डाइट नहीं करोगे, नो डाइट। मैं 22 को लाइव आ रही हूँ, लेकिन ज्वाइन मेंबर जो है ना मेरे उस चैनल पे, उनके लिए आ रही हूँ, तो आप लोगों के लिए भी आऊंगी मैं लाइव,
आप सबके बगैर कैसे रह सकती हूँ ना मैं, लाइट ऑन कर लेती हूँ। हाँ तो जो 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 ज्वाइन किए हैं उनके लिए तो कुछ तो स्पेशल बनना बनता है ना, तो उनके लिए 22 को लाइव आ रही हूँ, और 22 को लाइव आ रही हूँ। ये देखिए मेरे साईं राम हैं, और साईं राम मेरे यहाँ पर, ये जो आपको दिख रहे हैं साईं बाबा, ये डब्लू जी मुझे गिफ्ट किए हुए हैं, और मेरे मैरिज एनिवर्सरी में डब्लू जी और श्वेता की तरफ से ये गिफ्ट मुझे मिला था, और इससे बड़ा गिफ्ट कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। और अपने इस साइड बाजू में वो वेट कर रहा है, बोल रहा है भाई मेरा बड़ा भाई गोल्डन प्ले बटन का है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आप सबके बिना तो मैं कुछ नहीं, तो वही है। और अभी मैं आ गई आप लोगों से गप्पा मारने के लिए, दो दिन से गप्पा नहीं मार रही हूँ, तो आज मैं सोचूँ कि आज मैं गप्पा ही मारती हूँ यार, बहुत काम हो गया। तो आप लोगों के लिए भी लाइव आने वाली हूँ, कोशिश करूँगी संडे को लाइव आऊँ, बहुत दिन हो गए लाइव आए हुए, तो संडे को लाइव आऊँगी। टाइम मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी कि कब मैं लाइव आने वाली हूँ, और कम्युनिटी में, हाँ कम्युनिटी में, पुणे ब्लॉगर के कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी। जनरल टॉक्स पे लाइव नहीं आ रही हूँ मैं, उसके लिए कुछ सोची हुई हूँ, जब वो कंप्लीट होगा तब लाइव आऊँगी, लेकिन इस पे जो है पुणे ब्लॉगर वाले चैनल पे मैं लाइव आने वाली हूँ, और मोस्टली कोशिश करूँगी संडे को हो जाए लाइव आ जाऊँ मैं, तो देखिए क्या होता है। और अभी मैं बना रही हूँ लंच में गोल्डी के लिए, बुक को बोली हूँ थोड़ा सा आटा मिला देने के लिए, तो गोल्डी थोड़ा आटा मिला देगी, और उसके बाद जो है गर्म आटा क्या होता है भैया, गर्म आटा मिला रही हूँ, क्या आटा तो आटा होता है, गर्म आटा क्या होता है भैया, आटा गर्म है तो गर्म आटा। अब इंसु नहीं दिख रहा, इंसु अब दिखेगा। हाँ नारायण नारायण, हम इधर की बात उधर करते हैं। नारायण नारायण, मैं इधर की बात उधर करते हैं। नारायण नारायण, बहुत खुशी के साथ सूचित करना, सूचना देना, हर बात में थोड़ा एक्स्ट्रा मसाला डाल के फैलाते हैं हम, हर बात में कुछ एक्स्ट्रा मसाला डाल के फैलाते हैं, नारायण नारायण करते हैं, है ना। हाँ अब सुबह में उठा है, आज बायो किया है एक पेपर, और कौन से ईयर का किए हो, 2K14 क्या होता है भैया, 2K14 चार्जर को ऑफ कोई नहीं करेगा। अभी मैं आज सुबह से किसी के इसका लाइक नहीं की हूँ मैं कमेंट को, तो अभी बैठ के सबके कमेंट को मैं लाइक करूँगी, थोड़ा रिलैक्स होंगी तो कमेंट को लाइक करूँगी, और अभी मैं हाँ रिप्लाई भी करूँगी, और अभी तो जा रही हूँ लंच बनाने के लिए, तो लंच में सोच रही हूँ पराठा बना दूँ, और पराठा के साथ जो है बना दूँ या ये अपना मटर है ना, मटर की घुगनी अच्छा लगता है क्या आप लोगों को, मुझे मटर का घुगनी बहुत पसंद है। आज लंच में मैं बना रही हूँ फुलका, और गुड्डू के लिए पराठा बनाऊंगी, और इधर मैं चना खरीद के लाई है, तो अभी चना के पीछे पड़ गई है। नहीं नहीं आज चना नहीं बना रही हूँ मैं, अभी मैं लंच में बना रही हूँ मटर, और मटर का ड्राई फ्राई जो होता है ना वो एकदम सूखा सूखा भाजी बना रही हूँ। जो के टिकटॉक पे कि लॉकडाउन में भी पता नहीं हमारी माओ को कहाँ से लौकी टिंडे मिल जाते हैं, ये जो क्योंकि ये माँ का एक दिल है, वो लौकी टिंडा लाना भूलती नहीं है, टिंडे हाँ वो लाना नहीं भूलती है, तो वही है। तो अभी बीच में ना ये लोग आकर के ना बात को मेरे काट देते हैं, तो वही जो है सो कि कर बनाने वाली हूँ, और शाम में मैं ना मेकअप वीडियो सोच रही हूँ डालूँ, और इसी बहाने मेरी साड़ियाँ जो है ना वो कुछ ना कुछ तो निकलेगी, क्योंकि मेरे मेरी मैक्सिमम जितनी साड़ी है मैं इसी बहाने मतलब मेकअप करूँगी ना, मैं क्यों सोच रही हूँ कि मैं मेकअप करूँ, क्योंकि मैं जब मेकअप करूँगी ना तो इसी बहाने मेरी साड़ियाँ है ना वो निकलेगी, वो भी थोड़ा सांस लेगी, थोड़ा खुश हो जाएगी कि भैया चलो थोड़ा सांस ले रही हूँ मैं, क्योंकि या तो वो लॉफ्ट में बंद होती है, या फिर वार्डरोब में बंद होती है, या फिर जब गांव जाती हूँ
तो गांव में ससुराल के घर पे वो सब छोड़ करके आ जाते। तो मतलब यहाँ पर एकदम सिर्फ सूट 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 या फिर टॉप या फिर पैंट या फिर यही सब रहता है। साड़ियाँ तो तीज में हरितालिका के टाइम में एक जो है सो कि वो साड़ी निकालती हूँ, साड़ी हाँ वही वही कहने का मतलब साड़ी खरीदती हूँ, बनवाती हूँ और पहनती हूँ। तो साल में बस हाँ एक बार तो गुड्डू के ऊपर मतलब खर्च गुड्डू को उससे कराती हूँ मैं, लेकिन मैं मासूम बीबी हूँ पता है क्या, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं कराती हूँ, मतलब लिमिट में खर्च कराती हूँ गुड्डू से। बहुत ऐसा नहीं करती हूँ कि भैया नहीं मुझे 20,000 की ही साड़ी दो, मुझे 25,000 की ही साड़ी दो, ऐसे नहीं करती हूँ। और मतलब अच्छा साड़ी हो मैटर नहीं रखता है कि आप कितने हज़ार की साड़ी पहने हो, मैटर ये रखता है कि आप कितनी की भी साड़ी पहने हो लेकिन वो साड़ी खूबसूरत होनी चाहिए, चाहे 500 की ही साड़ी है वो साड़ी खूबसूरत होनी चाहिए। और आप उसको ऐसे पहनो कि 5,000 की साड़ी भी अगर कोई पहन के बैठा हो ना तो आपकी 500 की साड़ी उसके सामने कुछ ज़्यादा अच्छी लगे। ऐसा है हमेशा मेरे पापा कहते हैं और हमेशा गुड्डू भी कहते हैं कि कपड़ा चाहे कितना भी महंगा हो कपड़ा पहनने से इंसान स्मार्ट नहीं होता है ना, कि आप कितना भी महंगा कपड़ा पहन लिए तो आप सोचोगे कि अगर मैं 5,000 का कपड़ा पहन ली या 5-10,000 की साड़ी पहन ली तो हाय हाय मैं तो स्मार्ट हो गई। तो कपड़ा पहनने से कोई स्मार्ट नहीं होता, आप कम प्राइस का भी कपड़ा कैसे स्मार्टली पहनते हो वो मैटर रखता है। तो मेरा भी वही है कि हाँ क्या आप कैसे आप उसको हैंडल करते हो आप वो ज़्यादा मैटर रखता है। तो मैं कभी भी ये सोच करके नहीं खरीदती हूँ कोई भी चीज़ हो, सूट हो या टॉप हो या कुछ भी, मुझे जो डिज़ाइन अच्छा लगता है मुझे और जो मुझे डिज़ाइन अच्छा लगता है, मुझे फैब्रिक अच्छा लगता है, मुझे कलर अच्छा लगता है, फिर मैं वो ड्रेस ले लेती हूँ या साड़ी हो चाहे सूट हो चाहे कोई भी हो। मैटर नहीं रखता कि वो 500 का है या 5,000 का है या 10,000 का है, बस वो मुझे वो अच्छा लगना चाहिए। बहुत मतलब आप देखोगे कि 10-10,000 की साड़ी पहने रहते हैं या 10,000 का सूट पहने रहते हैं, लेकिन अगर आप उनके सामने 1,000 रुपये का भी साड़ी पहन के बैठे हो या सूट पहन, तो आप उनसे कहीं ज़्यादा स्मार्ट लगते हो, क्योंकि आपको वो उसको आप जो 1,000 रुपये की ही साड़ी पहने हो ना तो उसको बहुत अच्छे ढंग से पहने हो, बहुत अच्छे ढंग से मैनेज की हो, तो आपकी स्मार्टनेस कुछ अलग लगेगी। बस कलर हमेशा वही पहनना चाहिए जो आपके ऊपर खिले, जरूरी नहीं है कि आप कोई भी कलर पहन लो। जैसे जैसे कि आपका कलर मान लो आज आपके साथ एक चीज़ मैं शेयर करती हूँ कि कौन से रंग के कपड़े जो है ना कौन से कलर पे ज़्यादा फंकता है। तो मान लो आपका कलर फेयर है, क्या फबता है, हाँ खिलता है, खिलना फबगोल्डी के लिए मामा फबता है मतलब कि खिलना, आपके ऊपर कौन सा कलर ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। अभी समझ में आया? हाँ। तो ये लोग ना लय ताल सुर सब तोड़ देते हैं मेरा, पता है क्या, आज लिप्स आज मैं ना लिप ग्लॉस भी नहीं लगाई हूँ, बस ऐसे ही बैठ गई आज। तो पता है क्या, जो फेयर कॉम्प्लेक्शन में आते हैं, दो तरह के फेयर कॉम्प्लेक्शन वाले होते हैं। एक ऐसे होते हैं, पहले वाले की बारे में बात करती हूँ, जिनके ऊपर जो जो इंडियन स्किन टोन में जो भी गोरे भी होते हैं ना तो उनमें थोड़ा येलोइश टोन आते हैं, इंडियन स्किन टोन का हमेशा येलोइश टोन होता है। जैसे मेरे में है और मेरा क्या है, तुम तो पूरी विदेशी हो ना तो येलो टोन आता ही नहीं है, गोल्डी का सुन है। मैं गोल्डी को सबसे ज्यादा चिढ़ क्या होता है जब मैं जाती हूँ ना पाल पै, ये टॉपिक को तो छोड़ ही देती हूँ, आज के ब्लॉग में ये टॉपिक मैं बताऊंगी, ये लड़की मुझे ना बताने नहीं देने वाली है। पता है क्या, जब गोल्डी नहीं रहेगी ना तब वो टॉपिक पे बात करूंगी। पीछे से आ गए किचन में मम्मा, पता है जब जब मॉल में जाते हैं और ये क्या खरीदते हैं बेटा, फाउंडेशन, हाँ फाउंडेशन जाते हैं, तो गोल्डी भी फेयर टोन में आती है और मैं भी फेयर टोन में आती हूँ, लेकिन गोल्डी का फेयर टोन कैसा है अब नहीं रखता है। उस समय तो जब मेरा नया नया कॉलेज स्टार्ट हुआ था तब हम लोग गए थे, हाँ नया कॉलेज, उस समय उधर जाकर नया कॉलेज वहाँ का हर एरिया का धूप अलग अलग, हाँ तो पहले पहले वो बात तो मेरा टोन कम हो गया था धूप तो, की वजह तो से गोल्ड, लेकिन तुम्हारे फेस पैक्स के वजह से मैं तुम्हारे टोन के वापस आ गई, तो अभी जो तुम्हारा टोन है वही सेम टोन मेरा है, तो
भी मैं बात कंप्लीट करूं गोली लुपुक लुपुक किन किचन से आती है यार, ये लुपुक लुपुक की लुपुक लुपुक, मैं कुछ भी बोलूंगी तो मुझे नहीं बोले देती हूँ, मैं कुछ भी बोलूंगी लुपुक लुपुक कोई वर्ड नहीं होता है, लेकिन मैं क्या करूं, तुम मुझे परेशान कर रही हो कोई भी वर्ड बोलने के लिए। गुड एक्सरसाइज, रिंकल्स रिंकल्स नहीं आते। तीन एक्सरसाइज ये जिनका निकल गया है ना आज, वह मैं मिक्स एंड मैच, वो मिक्स मिक्स वाले ना, वो चाट मसाला नहीं होता, दुकान पे जाते हो तो बोलते हो कि भैया मिक्स चाट देना, बोलते हैं ना, मुँह में पानी आ गया, वही वाला मैं ब्लॉग बना लेती, क्योंकि गोल्डी है ना मुझे कोई भी टॉपिक कंप्लीट करने नहीं देगी, तो आज ना मिक्स चाट जैसा मिक्स ब्लॉग बनाती हूँ मैं, जिसमें सारे टॉपिक मैं ठूस ठूस के भर देती हूँ। जब भी कोई टॉपिक निकाल रही हूँ ना, लड़की किचन में से आ जा रही है मुझे करने के लिए, परेशान करने के लिए। अभी वो टॉपिक इतना अच्छा मैं निकाली थी, टोन वाला, पहुँच गए, नहीं मेरा स्किन टोन पहले कम था, पहले फेयर था, फिर कम, हाँ पहले फेयर था, फिर कम हो गया, फिर फेयर हो गया, फिर ये हो गया। हाँ ठीक है यार, ये गोल्डी मुझे बहुत तंग करती, मेरे को रोने का मन होता है। एक तो लॉकडाउन में इतना बड़ा मुसीबत मेरे घर में पड़ गया है ना, मैं आपको वो दिखलाऊंगी, फिर आप देख के कहोगे छवि जी सच्ची है। एक कबूतर खाना को तो भूल जाओ, मतलब बालकनी में जो मेरा कचरा हो गया वो तो पुराना टॉपिक हो गया, नया टॉपिक क्या हो गया, मुझे जाना है जो मेरे ऊपर रहती है उसके पास जाना है, उसको बोलना है भैया कि मेरा जो बेडरूम है ना उसमें सिपेज होना शुरू हो गया है, मतलब वॉल है ना उसके अंदर सिपेज हो गया। अब वो मैं, हम लोग क्या सोचे थे कि अंशु के बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद पूरे घर में पेंटिंग कराएं, ठीक है, ये हमारी प्लानिंग था कि अंशु के बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे उसका पूरे घर में पेंटिंग कराएंगे, तो एक दो महीने की छुट्टी रहेगी, फिर हम लोग अपना बाहर चले जाएंगे और वो पेंटिंग वाला अपना पेंटिंग करेगा, हम लोग ये सोचे हुए थे। अभी अंशु के तो बोर्ड्स ही लटक गए, एग्जाम हुआ नहीं, ऊपर से ये लॉकडाउन, और उसी बीच में वो सिपेज मेरे बेडरूम में बेड के ठीक थोड़ा आगे, मैं शुक्र है बेड से थोड़ा आगे है, मीन्स इतना आगे है, और वो सिपेज हो रहा है ठीक वार्डरोब के थोड़ा, मतलब वार्डरोब भी बच गया मेरा, एकदम टुपुक टुपुक पानी गिर रहा है उसमें से, सोचो, हाँ टुपुक टुपुक पानी, टुपुक टुपुक पानी गिर रहा है, और इतना मतलब कि घटिया वाला सिपेज हुआ है ना यार, कि मैं आपको क्या बोलूं, अभी इतनी परेशानी हो गई है कि ये लॉकडाउन में बुला भी नहीं सकते वो सिपेज ठीक करने के लिए, मतलब बहुत बड़ा मुसीबत आ गया यार इस लॉकडाउन में, इतना बड़ा मुसीबत आया है ना कि कुछ कह नहीं सकते, मतलब परेशान हो गई हूँ सीरियसली यार, मतलब बहुत मुश्किल है। हाँ तो परेशान नहीं होती हूँ मैं, परेशान परेशान कर देती है उसके बाद बोलेगी कि परेशानी नहीं होती। अभी तो जाऊंगी, अभी तो पराठा बनाऊंगी, अब देखते हैं क्या होता है यार। अभी पुणे में तो बहुत बढ़ गया कोरोना, बहुत बहुत बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब कोरोना इतना बढ़ गया है पुणे में कि क्या बोलूं मैं, मतलब मुंबई पुणे इन सब की तो हालत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा कोरोना बढ़ गया, लोग मानते ही नहीं है यार, मानते ही नहीं है, क्या करें, समझ में ही नहीं आता है, क्या कर सकते हैं। चलिए आई होप कि छोटू मोटू ब्लॉग, ओके गोल्डी पहुंच गई, वीडियो कम आ गई, पहुंच गई गोल्डी का आटा लेके, इतू सा ही आटा मिलाई हो गोल्डी, ये इतू सा है, हाँ तुम ये इतू सा है, फिर से आटा मिलाओ, जाओ इसको अलग रखो साइड में, और रात में डिनर का बताती हूँ, डिनर में बना रही हूँ चना दाल का तड़का और पुलाव, तुम पक्का बना रही हो, चलिए अभी कंफ्यूजन है, इसका भी स्टोरी बताती हूँ मैं, हाँ गोल्डी का स्टोरी, गोल्डी का तो आज पनीर पता है क्यों बन रहा है,
क्योंकि कल जब मैं टिकटॉक वीडियो बना रही थी तब मुझे अपने बालकनी का ग्लास बंद नहीं करना था क्योंकि हवा आ रही थी, तो मेरा बाल उड़ रहा था और नेचुरल लाइट भी था। तो ब्रो मुझे बोला कि उसका ट्यूशन स्टार्ट हो रहा था, नहीं कुछ हाँ, तो उसका ट्यूशन स्टार्ट हो रहा था और वो एसी में बैठ के अपना ट्यूशन अटेंड करता है और उस समय मैं वीडियो बना रही थी। उसके बाद मैं उसको इतना रिक्वेस्ट की प्लीज़ 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 अंशु प्लीज़ प्लीज़ मुझे वीडियो बनाने दो, गेट बंद मत करो, गेट बंद मत करो। तो मुझे बोलता है इसका मैं मुझे क्या मिलेगा अगर मैं बना कर दूंगा तो? मैं बोली जो तुम बोलोगे मैं कर दूंगी। वो मुझ पर भारी पड़ गया। तो वो मुझे बोला, तो मैं कल बना रही थी तो मुझे बोला मतलब बेसिकली आज तुम मेरे लिए कुछ भी पनीर से रिलेटेड बना दो। अब मैं फंस गई, लेकिन टिकटॉक के लिए कुछ भी कर सकती हूँ मैं, तो मैं आज उसके लिए पनीर बना दूंगी। तो ये था स्टोरी पनीर बनने के पीछे का। अब जाता है मम्मा स्टोरी फिनिश फिनिश। तो तड़का दाल नहीं बना रही हूँ, तो मैं आज फ्री हूँ फिर, तो मैं सिर्फ चावल पर बना लूंगी और तड़का दाल तो नहीं बनाना है। तो आज डिनर में गोल्डी, आज अंशु के साथ प्रॉमिस में फंस चुकी हैं इसलिए गोल्डी बना रही हैं। तो आई होप कि छोटू मोटू वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ब्लॉग मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, कोशिश करती हूँ शाम में एक और ब्लॉग डालने का। फिर आ गई यार ये लड़के। बाय, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।